हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी कि हम सोचते हैं ना कि यार हमारे भविष्य में पता नहीं क्या लिखा है, बेस्ट यही है कि आप कल की अनिश्चितताओं को लेकर ना सबसे बेहतर है कि आज आप जितनी मेहनत कर लो, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो बेहतर है कि अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बजाय आप खुद अपना फ्यूचर के निर्माता बन जाए, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे बजाय के किसी और के ऊपर निर्भर होने के। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। द राइज इन फ्लू केसेस इन चाइना इज ड्यू टू इंक्रीज्ड सर्विलेंस। बोल रहे हैं ये जो चाइना में फ्लू के केसेस का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब निगरानी ज्यादा रखी जा रही है, यानी कि ज्यादा लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है, जांच पड़ताल अच्छे से की जा रही है। Nearly 4 years after the novel SARS-CoV-2 coronavirus emerged in Wuhan, बोले लगभग 4 साल हो गए जब novel coronavirus जो है वो वुहान से शुरुआत हुई थी, the capital of Hubei province in China, जो कि Hubei province की capital है China में, resulting in the deadliest pandemic that the world has faced in 100 years, जिसकी वजह से 100 सालों का सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक, जानलेवा एक pandemic emerge हुआ। The news of an outbreak of influenza-like illness in Beijing, Liaoning and the other places in China since mid-October has raised concerns about the emergence of yet another new virus. बोले 4 साल बाद अब फिर से क्या हुआ है, अक्टूबर महीने से चाइना के बीजिंग और लियानिंग और ऐसी ही और जगहों से खबरें आ रही हैं कि इन्फ्लुएंजा जैसा ही एक वायरस पकड़ में आ रहा है, वैसी ही कुछ बीमारी सामने आ रही है। ठीक है, और ये जो नया वायरस, एक नई तरीके का वायरस जो सामने आ रहा है, इससे फिर से चिंता उठ खड़ी हुई है। In what appears to be a replay of the early days of COVID-19 pandemic, when China showed little interest in alerting the WHO quickly, बोल रहे हैं कि जैसा कि COVID-19 के टाइम पे हुआ था कि चाइना ने WHO को इमीडिएटली नहीं बताया, वैसा ही ऐसा लग रहा है कि अब फिर से रिप्ले किया जा रहा है, क्योंकि ये जो नया वायरस जो भी आउटब्रेक वहां पे हो रहा है इसकी भी बारे में चाइना ने कोई भी जानकारी WHO को नहीं दी। China's National Health Commission failed to report to the WHO the large number of undiagnosed pneumonia cases among children. और basically ये क्या हुआ है कि ये pneumonia के cases हो रहे हैं, बच्चों में पाया जा रहा है, बच्चों में ज्यादा cases आ रहे हैं pneumonia के, और अनडायग्नोस्ड है, यानी कि इनको अभी तक रोग इनका आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका है। तो चाइना का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है उसने इसके बारे में कोई भी जानकारी WHO को नहीं दी। The other striking similarities to the 2019 outbreak are the reportage of the clusters in local media and ProMed, publicly available surveillance system. बोल रहे हैं दूसरा जो एक और सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में वो ये है, जो 2019 वाला आउटब्रेक था और अभी जो इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें, वो ये है कि लोकल मीडिया रिपोर्ट्स और ProMed, जो कि एक पब्लिकली अवेलेबल सर्वेलेंस सिस्टम है फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस आउटब्रेक्स, इसके लिए कि कोई भी एक से दूसरे में फैलने वाला अगर कोई डिजीज है वो किस तेजी से फैल रहा है, अगर नया वायरस ऐसा कुछ आता है तो उसके लिए ProMed नाम के कोई ऐप होगी या सर्वेलेंस सिस्टम होगा। More than a month after the respiratory illness spiked and the WHO becoming aware of the issue only through media reports. बोल रहे हैं स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में कि मीडिया रिपोर्ट्स में किस तरीके से कवरेज किया जा रहा है या ProMed में किस तरीके से बताया जा रहा है, और एक महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है कि ये रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के द्वारा लेने वाली कुछ परेशानी हो रही है इसमें, सांस लेने में। तो इससे क्या हुआ कि इसके बारे में WHO को केवल और केवल मीडिया रिपोर्ट से पता चला है, अदरवाइज चाइना ने नहीं बताया है, इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये दो कुछ सिमिलैरिटीज हैं। फाइनली लाइक इन 2019 WHO फोर्स टू रिक्वेस्ट चाइना फॉर डिटेल्ड एपिडेमियोलॉजिकल
लॉजिक एंड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। अब बोल रहे हैं कि जैसे 2019 में हार फार के WHO को ही चाइना को बोलना पड़ा था कि भाई बताओ बात क्या है, मसला क्या है, पूरे खुल के हमें जानकारी दो, सेम अभी हुआ है कि WHO को ही रिक्वेस्ट करनी पड़ी है चाइना को कि हमें पूरी डिटेल बताओ ये किस तरीके का एपिडेमिक है, किस क्या है, इसकी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास क्या है, वो आप हमें पूरे तरीके से बताओ, एज वेल एज लेबोरेटरी रिजल्ट्स ऑफ निमोनिया केसेस इन चिल्ड्रन, और जो भी अभी तक लैब रिजल्ट्स आए हैं हमें उनकी जानकारी दो। वन रीजन फॉर चाइनाज रिलक्टेंस टू कीप द ग्लोबल हेल्थ बॉडी इन्फॉर्म्ड कुड बी दैट द सर्ज इन रेस्पिरेटरी इलनेस वॉज ड्रिवन बाय नोन पैथोजेंस। बोल रहे हैं एक हम मान सकते हैं कि चाइना क्यों अनिच्छित दिख रहा है WHO को इन्फॉर्म करने में, वो ये हो सकता है कि ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस में जो बढ़ोतरी हुई है, तेजी से वृद्धि आ रही है, वो एक्चुअली एक नोन पैथोजन है, यानी कि जो वायरस है, जो इसका बेसिक डिजीज का जो होता है ना, जिसके जरिए वायरस के जरिए ये चीजें फैल रही हैं, वो जाना पहचाना है, वो हम जानते हैं कि किस वायरस की वजह से हो रहा है, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। और इसमें इन्फ्लुएंजा और कॉमन जो दूसरे कुछ और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस है वो भी शामिल है। On November 23, the details shared with WHO by China indicated that the spike in cases and hospitalizations among children were due to mycoplasma pneumonia. बोल रहे हैं कि 23 नवंबर को जो डिटेल शेयर की गई WHO के साथ में चाइना द्वारा, उसमें बताया गया कि जो स्पाइक यानी कि वृद्धि हुई है, तेजी से वृद्धि हुई है केसेस में और हॉस्पिटलाइजेशन में बच्चों के बीच में, बच्चों की, वो बेसिकली जो वायरस है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है, सिंस मई महीने से हो रहा है, एंड RSV एडनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस सिंस अक्टूबर, और ये तीनों वायरस RSV एडनोवायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस ये अक्टूबर महीने से आ रहे हैं बच्चों में। वाइल द मल्टीपल पैथोजन्स दैट कॉज्ड इलनेस इन चिल्ड्रन दिस ईयर आर नॉट नोवल नॉर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस अनयूजुअल। बोल रहे हैं कि ये जो मल्टीपल पैथोजन्स पाए जा रहे हैं जिनकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी आ रही है, वो नए नहीं है, नोवल मतलब न्यू, तभी तो उसको नोवल कोरोना वायरस बोला जाता है, मतलब नए तरीके का, कोरोना वायरस हमेशा से था, ठीक है, इसीलिए बाद में कई सारे टीवी सीरियल्स, जैसे कोई बोल रहा है कि कोरियन सीरीज में पहले बता दिया गया था, कोई बोल रहा है किसी हॉलीवुड मूवी में पहले बता दिया गया था, कोई बोल रहा है कोई चाइनीज मूवी में पहले बता दिया, एक्चुअली कोरोना वायरस जो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है उसको कोरोना वायरस ही बोला जाता है, लेकिन जो उसके फिर आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, ठीक है, अब हम सब इंसान की नस्लें हैं, पर इंसान की फिर हम सब इंसान हैं, बट फिर उसके आगे हमारे सब टाइप्स हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, फिर कोई अफ्रीकन है, कोई एशियन है, इस तरीके से अलग अलग नस्ल है हमारी, तो वैसे ही वायरस वो एक ही है, उसके आगे सब कैटेगरीज या पार्ट्स हैं कि ये नए तरीके का, इसमें ये मॉडिफिकेशन है, इसमें इस तरीके का DNA है, ठीक है, तो उसको इसलिए वो नए तरीके का था तो उसको नोवल कोरोना वायरस बोला गया, ओके। तो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, सारे पैथोजेंस पुराने ही हैं और इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में भी अभी तक कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। द सर्च इन केसेस हैज अकर्ड अर्लियर इन द सीजन दैन हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस्ड। बोल रहे हैं कि ये जो केसेस है, ये जो सीजन में, जिस सीजन में इनको एक्सपीरियंस किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये वायरस होना चाहिए या होता ही है, बोलते हैं ना कि आजकल बच्चों में ये फैला हुआ है, बच्चों का बचाव रखिए, आजकल ये ज्यादा फैला हुआ है, आजकल डेंगू ज्यादा फैला हुआ है, उस तरीके से आप टेक केयर कीजिए, तो वैसे ये जिस सीजन में होता है हिस्टोरिकली अभी तक हमने जो एक्सपीरियंस किया है, तो ये उससे पहले आ गया, ठीक है। This could be because it is China's first full winter season after COVID-19 restrictions were removed in December last year. बोल रहे हैं ये इसलिए भी हो सकता है कि चार साल बाद पहली बार ये चाइना का पूरा विंटर सीजन, फुल विंटर सीजन है, जब कोई भी restrictions नहीं है। कोरोना के बाद में पूरी तरीके से restrictions पिछले साल दिसंबर में हटाई गई थी, तो पहली दफा है कि ये पूरा फुल विंटर सीजन, यानी कि वो भी काम पे भी जा रहे हैं, स्कूल्स में भी जा रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि ज्यादा फैल रहा हो। China has claimed that the increased detection and reporting of respiratory illness in children was primarily due to enhanced outpatient and inpatient surveillance for respiratory illness. बोल रहे हैं कि
चाइना ने बोला है कि जो बढ़ते हुए रोगी सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है बच्चों के बीच में, वो बेसिकली इसलिए है कि हम जो बाहर से आए पेशेंट हैं, यानी कि वो पेशेंट जो डेली बेसिस पे चेकअप कराने आते हैं, जैसे आज मैं गई चेकअप कराने, कल कोई और गया, हम लोग होते हैं आउट पेशेंट, और इन पेशेंट होते हैं जो वहीं पे भर्ती होते हैं रोगी, तो उनके ऊपर हमने निगरानी ज्यादा करी है, सर्वेलेंस ज्यादा कर रहा है रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए, covering a large variety of viruses and bacteria, including mycoplasma pneumoniae, बोल रहे हैं जिसमें कि ये mycoplasma pneumoniae भी शामिल है. But this does not explain its failure to voluntarily keep the WHO informed about the unusually high number of cases last month. बोल रहे, लेकिन इससे ये बात कहीं पे भी साफ नहीं होती कि उन्होंने क्यों जानबूझ के WHO को नहीं बताया कि भाई इतनी भारी संख्या में पिछले महीने उनके केसेस इतनी भारी संख्या में बढ़े थे, ये क्यों नहीं बताया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया. While China had reported a mycoplasma pneumonia surge in October, the reasons for the current outbreaks were less clear till the WHO requested for information. बोल रहे हैं कि हालांकि चाइना में माइकोप्लाज्मा निमोनिया का जो इंक्रीज है, राइज है, वो अक्टूबर में देखा गया था, लेकिन द रीजन, जो करंट आउटब्रेक्स का रीजन है कि इतनी भारी संख्या में क्यों इतना ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है, उसका रीजन अभी तक क्लियर नहीं है. और टिल WHO, जब तक कि WHO ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, तब तक क्लियर नहीं था कि वो क्यों इतना ज्यादा फैल रहा है. China is duty bound to keep the WHO informed in time without being asked. बोल रहे China की जिम्मेदारी है, प्रतिबद्धता है, उनकी कर्तव्य है कि भाई वो बिना WHO के पूछे, बिना ही खुद से आगे से उनको इन्फॉर्म करें कि भाई ये परेशानी हो रही है, आप लोगों को समझाइए या फिर आप अपने लेवल पे बाकी नेशंस को अवेयर कर दीजिए, बट वो नहीं किया उन्होंने. तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ. क्वेश्चन नंबर वन हमसे कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस अमंग चिल्ड्रन इन चाइना हैज रिपोर्टेड टू WHO. बोल रहे हैं कि प्राइमरी रीजन क्या बताया गया इन रेस्पिरेटरी इलनेस का WHO को. इमर्जेंस ऑफ न्यू वायरस, की नया वायरस आया है, तो हमने बोला कि पुराना ही वायरस है. माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड अदर नोन पैथोजेंस, इन्हीं की वजह से हो रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, की वहां पे अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है. पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी कारण नहीं है. Arrange the following events in the order they occurred as per the passage. अब जिस सीक्वेंस में पैसेज के अंदर घटनाक्रम हुआ है ना, हमें वो सीक्वेंस बताना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. द WHO रिक्वेस्टेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चाइना, की WHO ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी चाइना से. तो ये तो बाद में आई थी ना बात, जब WHO को मीडिया वगैरह से पता चला. आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वर रिपोर्टेड इन लोकल मीडिया प्रोमेड एंड प्रोमेड. बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की रिपोर्टिंग जो है लोकल मीडिया द्वारा की गई, और प्रोमेड नाम की एक कोई संस्था थी जो ऐसे आउटब्रेक्स के बारे में बताती थी, उसके द्वारा की गई. इंक्रीज इन फ्लू केसेस ड्यू टू नोन पैथोजेंस. बोल रहे हैं जो ये इंक्रीज हुआ है केसेस में, ये नोन पैथोजेंस की वजह से हुआ है. चाइनाज फेलियर टू रिपोर्ट अनडायग्नोस्ड निमोनिया केसेस अमंग चिल्ड्रन. तो सबसे पहले ये हुआ कि उन्होंने भाई नहीं बताया इन केसेस के बारे में. फिर सेकेंड बात ये हुई कि इन्फ्लुएंजा की ये जो रिपोर्टिंग है वो मीडिया और प्रोमेड द्वारा की गई. थर्ड हो जाता है कि WHO ने चाइना से पूछा भाई कि आप बताओ, हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दो. और फोर्थ हो जाता है कि फ्लू जो है वो नोन जाने पहचाने पैथोजेंस की वजह से है, इसलिए भी हो सकता है चाइना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो या बताना जरूरी नहीं समझा हो. ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है डी बी ए सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Based on the passage, which of the following inferences best reflects the critical issue regarding China's communication with WHO about respiratory illness? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात जो है वो बताती है कि भाई चाइना का जो कम्युनिकेशन रहा WHO के साथ में इस बीमारी को लेके, वो काफी क्रिटिकल इशू रहा. तो चाइनास Enhanced surveillance for respiratory illness indicates a proactive approach to public health, suggesting that high number of cases is well managed and under control. ये बिल्कुल incorrect है ना, बिल्कुल ही incorrect है. हमें पूरे passage में ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो अच्छे तरीके से manage कर पाए हों.
द इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस इन चिल्ड्रन इन चाइना कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अ वैरायटी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, की बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है, दस मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर WHO टू असर्टेन द एग्जैक्ट कॉज विदाउट चाइनाज डिटेल्ड रिपोर्ट्स। ये भी इनकरेक्ट है, हमें पता है कौन से वायरसेस और कौन से बैक्टीरियाज की वजह से हो रहा है, तो इसमें ये परेशानी नहीं है हमें, पर यह है कि WHO को रिपोर्ट ही नहीं किया गया चाइना द्वारा। चाइनाज डिले इन इन्फॉर्मिंग द WHO वॉलंटरिली अबाउट द अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ केसेस लास्ट मंथ रेजेस कंसर्न्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। बिल्कुल सही है कि चाइना ने जानबूझ के WHO को नहीं बताया, जिसकी वजह से ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पे सवाल उठ सकते हैं कि भाई हाँ, जिसे पहले हुआ दुनिया भर में वो वायरस फैल गया है ना, वैसी चीजें हो सकती हैं, तो इसके ऊपर चाइना की लापरवाही दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the line? This could be because it is China's first full winter season after COVID-19 restrictions were removed in December last year. तो इसमें कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा, कोई ना ऑप्टिमिस्टिक है, ना क्रिटिकल है, ना पैसिमिस्टिक है, ये लाइन बिल्कुल न्यूट्रल है, वो एक कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कि ये हो सकता है कि ये बीमारी इसलिए ज्यादा फैली हो क्योंकि ये पहली दफा है चार साल बाद COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस की पूरी तरीके से हटा दी गई हैं, तो पहली सर्दियां हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सो ये न्यूट्रल है, ऑप्शन सी न्यूट्रल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The resurgence of COVID-19 in China. कि COVID-19 दोबारा से उभर रहा है चाइना में, incorrect है। The failure of WHO in managing global pandemics. तो global pandemics WHO manage तभी करेगा ना जब उनको inform किया जाएगा। देशों की भी तो जिम्मेदारी है ना कि पहले WHO को inform करो। तो यहाँ पे ये हम उनकी नाकामयाबी भी हम यहाँ पे discuss नहीं कर रहे हैं। So ये भी incorrect है। The emergence and response of respiratory illness in China post COVID-19. कि किस तरीके से एक रेस्पिरेटरी इलनेस चाइना में इमर्ज हो रही है, उभर रही है, और उसके ऊपर चाइना का रिस्पॉन्स कैसा है, वो भी COVID-19 के बाद में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is an antonym for deadliest as used in the passage? Deadliest का मतलब होता है जानलेवा, खतरनाक, ठीक है, तो लीथल, लीथल मतलब भी जानलेवा होता है, बेनिगन, फेटल, फेटल मतलब भी जानलेवा, तो यहां पे सेफेस्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीअरेंज पैराजिम्पल का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट ओनली अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, दिस इज कोई सोल्यूशन बताया गया होगा उसके बारे में बता रहे हैं कि ये ना केवल एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है एट बेस्ट बट ऑल्सो अ स्टेप बैकवर्ड, ना ये सबसे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है बल्कि एक स्टेप हम पीछे भी जा रहे हैं। कंसिडरिंग इंडियाज लॉफ्टी क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स, जो भी इंडिया का भारी भरकम क्लाइमेट एक्शन टारगेट है उनको देखते हुए, सेट फॉर 2030 ऑफ सोर्सिंग 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल्स एंड इंस्टॉलिंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, जो कि सेट किया गया है 2030 के लिए, जिसमें कि 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कंज्यूम करेंगे, और इसके अंतर्गत हमने 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भी जनरेट करने का इंस्टॉलेशन लगाना है, ठीक है। हाउएवर ओवर डिपेंडेंस ऑन दिस हाईली पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल इज इम्पीडिंग इंडियाज एफर्ट्स टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। बोल रहे हैं कि जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है, ये जो बहुत ही पॉल्यूशन फैलाने वाला फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, तो ये इनके ऊपर जो हमारी ज्यादा निर्भरता है ना, उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रयास है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस पे शिफ्ट करें वो कम होता जा रहा है, वो रिड्यूस होता जा रहा है, जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो नेगेटिव में चला जा रहा है। द सर्ज इन पावर डिमांड triggered by the scorching heat wave has led to frantic attempts to arrange adequate coal supplies. बोल रहे हैं अब गर्मियां ज्यादा हो गई, ज्यादा हीट वेव आ गई, तो उस वजह से क्या हुआ कि ज्यादा डिमांड हो गई पावर की, कि भाई हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर घर घर में एसीस लग रहे हैं, कूलर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हमें कोल के सप्लाईज को अरेंज करने की जरूरत पड़ रही है कि हाँ भाई भरपूर मात्रा में हमारे पास होना चाहिए। With the power crisis worsening, the Union government is contemplating desperate measures which might turn out to be counterproductive. बोल रहे हैं अब क्योंकि पावर क्राइसिस और ज्यादा गहराता जा रहा है, तो केंद्र सरकार जो है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही डेस्परेट
कदम उठा रही है जो कि टर्न आउट टू बी जो कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं, यानी कि इतने ज्यादा खास कारगर साबित नहीं होंगे लॉन्ग रन में. डिस्कशंस आर बीइंग हेल्ड विद पावर फर्म्स ऑन रिवाइविंग नॉन ऑपरेशनल कोल बेस्ड प्लांट्स. अब पावर कंपनियां जो हैं उनके साथ में डिस्कशंस हो रही हैं कि जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं जो अभी काम नहीं कर रहे उनको दोबारा से चालू कर दो, एंड द वंस दैट आर अंडर लिक्विडेशन, और उन प्लांट्स को भी चालू कर दो जो अभी बिकने की कगार में है. लिक्विडेशन मतलब कि जो बिकने वाले हैं, ठीक है. लिक्विडेशन करना मतलब कि कोई कंपनी बेच दें जिसके एवज में आपको पैसा मिल जाए, तो उनको भी दोबारा से रीस्टार्ट कर दो, ऐसा बोला जा रहा है. तो देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट एस. क्यों? क्योंकि यहां पे हमें पता चल गया कि पावर क्राइसिस हो रहा है गंभीर, और यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से प्रयास कर रही है, जो कंपनीज के साथ में डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में बताया गया. तो ये हो गया एक बेस सब्जेक्ट, ठीक है. अब बोला कि भाई कोल बेस्ड प्लांट्स को ऑपरेशनल कर दो, जो अभी नहीं चल रहे हैं उनको भी चला दो, और जो लिक्विडेशन के प्रोसेस में है उनको भी चालू कर दो. तो बोला कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं होगा. और दूसरी चीज, ये हमारे जो टारगेट है ना हमें उससे भी दूर कर रहा है. हमारा पहले ही टारगेट बहुत भारी है कि 2030 तक हमने 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से कंप्लीट करनी है. तो 50% कैसे होगी बताओ? अभी हम कोल को वापस से बढ़ावा दे रहे हैं, क्या जो नहीं भी चल रहा उनको भी चालू कर दो, 50% हम कैसे पूरी करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो जाता है कि जो पावर डिमांड में सर्ज है ये क्यों हुआ, इतनी ज्यादा सर्ज क्यों हुई? क्योंकि हीट वेव बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, यू गेट थर्ड पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट होगा कि हालांकि हमारा जो ओवर डिपेंडेंस है इस हाईली पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल, क्या था? कोल को, क्योंकि कोल प्लांट्स को रिवाइव करने की बात करी गई ना, इज इम्पीडिंग इंडियाज एफर्ट्स टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ये हमारे प्रयासों को कम कर रहा है. ऑप्शन फोर क्यों है? तो हमारा अरेंजमेंट देखो, फर्स्ट हमारा अरेंजमेंट बन रहा है एस से, सी और डी, बी और ए में तो आर है तो ये इनकरेक्ट हो गया. सी और डी, अब सी में एस के बाद में आर आ रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में एस के बाद में पी आ रहा है, तो एस के बाद में पी ऑप्शन डी में आ रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. While it reflects a pickup in economic activity despite the escalating geopolitical conflict and the effect of tighter input credit norms. बोल रहे हैं while it क्या, कोई चीज जिसका पहले जिक्र हुआ होगा. तो P हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, इनको हटा दो. यानी कि अरेंजमेंट ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, Q होगा. बोल रहे हैं कि हालांकि ये जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पिकअप कर रही है, यानी कि उभर रही है. हालांकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, फिर भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो अपराइज कर रही है. एंड और जो टाइटर इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स है, यानी कि ज्यादा जो कठोर हमने नियम बना दिए हैं उनका इफेक्ट ये रहा. ऑल्सो नोट वर्दी, वो भी नोट करने योग्य है, वो भी असरदार है, इज द ह्यूज प्राइस राइज इन इनपुट कॉस्ट. उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत भारी मात्रा में प्राइस राइज हुआ है इनपुट कॉस्ट में. इनपुट कॉस्ट मतलब कि किसी भी एक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है उसके लिए, या फिर जो भी उसकी प्रोडक्शन करने के लिए जो लागत आती है उसको बोला जाता है इनपुट कॉस्ट. विजिबल इन सर्च एंड रिटेल रेट्स, जो कि रिटेल रेट्स में जो इजाफा हुआ है उसके भी साबित हो जाता है. ऑल टाइम हाई मंथली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन ऑफ रुपीज 1.68 लाख करोड़ इन अप्रैल. बोल रहे हैं अभी तक का सबसे हाई जो मंथली गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन आया है 1.68 लाख करोड़ अप्रैल महीने में, एंड इंक्रीज ऑफ 20% फ्रॉम अप्रैल लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल के अप्रैल महीने के मुकाबले में 20% ज्यादा है, इज एन एनकरेजिंग स्टेटिस्टिक. बोल रहे हैं ये काफी प्रेरणादायक, काफी होपफुल, काफी इनकरेज करने वाला आंकड़ा है. नॉट विथ स्टैंडिंग द सबड्यूड सेंटिमेंट बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लेशन लेवल्स, जो कि जो हमारे इन्फ्लेशन लेवल्स बढ़ने की वजह से जो हम सोच रहे थे ना कि नहीं हो पाएगा, उसके अनुरूप नहीं है, ठीक है. क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी थी तो हमें लग रहा था कि शायद इतना ज्यादा मार्केट काम नहीं करेगा, मार्केट में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, मतलब अच्छा प्रभाव नहीं देखने मिलेगा, सेल नहीं देखने मिलेगी. बट जीएसटी अच्छा आया, मतलब कि सेल हुई है चीजों की, ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप किस चीज के ऊपर देते हैं, जीएसटी किस चीज के ऊपर लगता है? आप कोई चीज खरीदेंगे, आप कुछ चीज बेचेंगे, उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा. तो बोल रहे इसका मतलब है कि अच्छा हमें रिजल्ट देखने मिला है, हमारी मार्केट कंडीशन अच्छी है.
attributed to improvement in compliance behavior and stricter enforcement action against tax evaders. बोल रहे हैं ये किस कारण से हुआ है कि भाई हमने जो नियमों का पालन करवाने में लोगों से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई है और लोग खुद भी नियमों का पालन कर रहे हैं और एनफोर्समेंट एक्शन यानी कि आप पालन करो जो भी टैक्स इवेडर्स यानी कि टैक्स की चोरी करते हैं उनके अगेंस्ट में हमने कड़े कदम उठाए हैं, इन सब कारणों की वजह से हो रहा है. द हाइएस्ट कलेक्शन सिंस द जीएसटी इज रोल आउट इन 2017 सेंड्स आउट लार्जली पॉजिटिव सिग्नल्स. अब क्योंकि जब से 2017 में जीएसटी लागू हुआ था उसके बाद से ये हाइएस्ट कलेक्शन है तो ये अच्छा पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है. दो कंसर्न्स रिमेन, हालांकि कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं. लास्ट मंथ मॉप अप इज रुपीज 25,000 crore हायर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन मार्च. पूरे जो पिछले महीने का जो अप आया है, मॉप अप आया है, वो है 25,000 crore ज्यादा है. ठीक है, किससे? पिछले महीने, उससे पिछले महीने यानी कि मार्च के महीने में जो रिकॉर्ड सेट हुआ था उससे 25,000 crore ज्यादा है. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला तो हमारा क्यू स्टेटमेंट है, इसमें 1.68 लाख करोड़ का आंकड़ा बताया. तो दूसरा हमने बताया कि ये जो आंकड़ा है ये 25,000 crore ज्यादा है जो मार्च महीने में सबसे ज्यादा हमने कलेक्शन किया था उससे. तो हमें पता चल गया क्यू तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद में आएगा एस स्टेटमेंट, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होएगा. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आएगा हमारा कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने लोगों के अंदर बिहेवियर सही हुआ है कि हाँ हमें टैक्स अपना भरना है. उसके अलावा जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन ज्यादा कड़े हो गए हैं. ठीक है, इस वजह से हायर जीएसटी कलेक्शन हुआ है. ये हो गया थर्ड. और फाइनल पॉइंट हो गया पी पॉइंट कि हालांकि ये पिकअप हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी अच्छा पकड़ रही है जियो कन्फ्लिक्ट्स के बाद में भी, जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के बाद में भी, और टाइटर जो इनपुट नॉर्म्स हैं उनके भी हमें प्रभाव देखने मिले हैं, पर जो सर्ज रिटेल रेट्स में बढ़ोतरी हुई है वो भी हमें देख पा रहे हैं. ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया, क्यू एस आर पी, क्यू पी आर एस, क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा क्लेवर है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनस. इंडिजिनस का मतलब होता है जो अपने देश में बनाया जा रहा हो, अपने देश का बोलते हैं ना ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर, यानी कि अपने देश में बनाया गया स्वदेशी हेलीकॉप्टर है. स्टूडियस, बहुत ज्यादा पढ़ाकू. एसीडियस, एसीडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती. और इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चतुर, बहुत ज्यादा टैलेंटेड. ऑप्शन डी इंजीनियस इज करेक्ट. इट इज नथिंग बट प्राइड, ये कुछ भी नहीं है, केवल प्राइड है. तो जो स्टेटमेंट बोली जाती है वो बोली जाती है इट इज नथिंग एल्स प्राइड, यानी कि ये केवल प्राइड है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल प्राइड है. सो ऑप्शन बी नथिंग एल्स इज करेक्ट. द डॉक्टर सेज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु अटेंडेड द फेस्ट आर इल ड्यू टू ईटिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड. अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी, जिसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया हो. तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा कि ज्यादातर जो लोग वहां पे आए थे वो इसलिए बीमार हुए क्योंकि उनने अडल्ट्रेटेड फूड खाया था, कुछ मिलावटी खाया था. राइट, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होएगा, स्पाइसी मतलब मसालेदार. लेसिवियस, लेसिवियस का मतलब होता है अश्लील. कंटामिनेटेड मतलब कि दूषित, प्रदूषित. तो अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी और कंटामिनेटेड मतलब दूषित. सो ऑप्शन सी कंटामिनेटेड इज करेक्ट. डैम्प, डैम्प मतलब थोड़ा गीला. वॉर्न, वॉर्न का मतलब होता है कुछ फटा पुराना, कुछ चीज फट गई है, इट हैज वॉर्न आउट, यानी कि वो खराब हो गई है, वो फट गई है. इसका सिनोनिम क्या होगा, डिलेमा. डिलेमा मतलब एक होता है असमंजस. एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से भरा हुआ. डायलेपिडेटेड मतलब कि टूटा फूटा या फिर खराब हो चुका. और डिमिनेटिव मतलब कि बहुत ही छोटा, माइन्यूट. सो यहां पे ऑप्शन सी डायलेपिडेटेड मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. बिफोर द मूवी स्टार्ट, जिसकी पहले मूवी स्टार्ट हो, शुड बी देयर, वहां पे होने चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट पहले. द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स, जो थिएटर की जो मैनेजमेंट है वो ये रिकमेंड करती है, सजेस्ट करती है द ऑडियंस, जो जनता है, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा डी कि जो थिएटर की मैनेजमेंट है वो रिकमेंड करती है, कि क्या रिकमेंड करती है, द ऑडियंस की जो ऑडियंस है वो कहाँ होनी चाहिए, शुड बी देयर, वहां पे होनी चाहिए
एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द मूवी स्टार्ट्स. ठीक है, समझ में आ गया. सो ई सेकेंड पार्ट है, द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स द ऑडियंस शुड बी देयर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर मूवी स्टार्ट्स. सो डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए ऑप्शन बी इज करेक्ट. अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है मैजिकल का. द स्टोरीज ऑफ द अरेबियन नाइट्स आर एंचैंटिंग, इंटरेस्टिंग, विवेशियस एंड नेचुरल. तो एंचैंटिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली, जादुई. ठीक है, जादुई बोला जाता है कि एंचैंटिंग फॉरेस्ट था, मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला जादुई फॉरेस्ट था. तो बोल रहे हैं जो अरेबियन नाइट्स की कहानियां होती हैं वो बहुत एंचैंटिंग होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, विवेशियस होती हैं. विवेशियस मतलब कि बहुत जीवंत होती हैं, लाइवली होती हैं और नेचुरल होती हैं. सो ऑप्शन ए एंचैंटिंग इज करेक्ट. रेगुलैरिटी, रेगुलैरिटी का हमें एंटोनिम बताना है. द डॉक्टर्स एग्जामिनेशन रिवील्ड अ सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी इन द पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. तो एबनॉर्मलिटी मतलब कि कुछ असाधारण है, जो नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, वो देखा गया है. तो रेगुलैरिटी मतलब कि जो चीज नॉर्मली होती है. ठीक है, तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन बी, एबनॉर्मलिटी इज करेक्ट. द कैरेक्टर एंड एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो एटमोसफेयर है वो कैसा है. तो बोलते हैं ना कि इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यानी कि वातावरण वहां का, एटमोसफेयर वहां के लोग, माहौल अच्छा है. तो उसको बोला जाता है एम्बियंस. हेवन, हेवन का मतलब होता है जहां, वो ऐसी प्लेस जहां पे आप रेफ्यूजी ले रहे हैं, रेफ्यूज ले रहे हैं. कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब जो आप मैप्स वगैरह बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोल देते कार्टोग्राफी. लिगामेंट, हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं कुछ, उन टिश्यूज का एक पार्ट होता है लिगामेंट. एम्बियंस यानी कि सराउंडिंग एटमोसफेयर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. द रिसर्च पेपर एनालिसिस, जो रिसर्च पेपर का एनालिसिस है, वो द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड, किसके बीच में रिलेशनशिप, डाइट और किसी चीज के बीच में, डाइट एंड डिजीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो डिजीज के बीच में और जो उसका इम्पोर्टेंस है ऑफ एक्सरसाइज एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, कि गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो जरूरी है एक्सरसाइज. तो रिसर्च पेपर का जो एनालिसिस है किसके बीच में, डिजीज, डाइट एंड डिजीज एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ. तो जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में यह है पी क्यू आर एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. द डिटेरियोरेटेड बिल्डिंग वॉज डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर इनमेट्स. डिटेरियोरेटेड मतलब जो खराब क्षीणजीन हालत में हो, बिल्कुल खराब स्थिति में हो, वो होता है डिटेरियोरेटेड. तो बोल रहे हैं जो डिटेरियोरेटेड बिल्डिंग थी वो इनमेट्स के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए डिक्लेयर कर दी गई अनसेफ. अब डिटेरियोरेटेड का सिनोनिम बताना है. डायलैपिडेटेड, हमने भी पढ़ा डायलैपिडेटेड का मतलब फटा पुराना या पुराना या टूटा फूटा. सो ऑप्शन ए डायलैपिडेटेड इज करेक्ट. द न्यू एंट्रेंट इन द क्लास फेल्ट अनकंफर्टेबल एज ऑल वर अनफेमिलियर टू हिम. एंट्रेंट मतलब नया कोई स्टूडेंट आया होगा क्लास में, वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि सारे जो थे वो उसको अनफेमिलियर थे, वो उन लोगों को जानता नहीं था, नए नए चेहरे थे. लेफ्ट आउट इन कोल्ड, उसको ठंडे में आपने बाहर छोड़ दिया था, यानी कि नजरअंदाज कर दिया था. वॉज नॉट गिवन अ फिग, वॉज नॉट गिवन अ फिग का मतलब होता है किसी चीज की परवाह नहीं करना. वॉज फिश आउट ऑफ वॉटर, फिश आउट ऑफ वॉटर का मतलब होता है कि अजीब सा महसूस करना, कुछ अलग थलग महसूस करना. बरिड हिज हेड इन द सैंड, इसका मतलब होता है समस्या से मुंह मोड़ लेना. तो यहां पर उसको अलग थलग लग रहा था ना, अनकंफर्टेबल लग रहा था. वॉज अ फिश आउट ऑफ वॉटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. राम्या लाफ्ड एट मी, राम्या मेरे ऊपर हंसी, पैसिव वॉइस में मी पहले आ जाएगा. आई वॉज लाफ्ड एट बाय राम्या, आई एम लाफ्ड एट बाय राम्या, आई वर नहीं होगा, आई वॉज लाफ्ड एट बाय राम्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट. हिज ओनली डैश वॉज दैट ही हैड नो राइफल, उसका ओनली जो दुख हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, वो ये कि उसके पास राइफल नहीं थी. While running away from the village below, he had forgotten the rifle in a hurry. जब वो गांव से नीचे अपने गांव से भाग कर आया तो वो अपनी राइफल वहीं पर जल्दबाजी में भूल गया. An unpardonable dash, but it was now too late to make amends for it. एक unpardonable crime हो सकता है, एक unpardonable गलती हो सकती है, mistake हो सकता है, लेकिन अब अपनी उस किसी भी गलती को ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी. डैश
he had the rifle, his pursuers would not have dared follow him with such brazen confidence. अगर उसके पास में rifle होती तो जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस confidence के साथ में उसका पीछा कर पाते. He would have hidden behind a rock and waited for them. वो एक पत्थर के पीछे छुप के उनका इंतजार कर सकता था. As they came within his rifle's range, जैसे ही वो उसकी rifle की range में आते, he would have picked them off one by one. वो उनमें से एक एक करके उनको shoot करता जाता. But now he could do dash about it. लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में. He was unarmed. उसके पास कोई हथियार नहीं था. But come what may, he must dash off their rifle's range. लेकिन उसको कुछ भी हो जाए, उसको उनकी rifle range से दूर रहना पड़ेगा. ठीक है? His only dash, his only consolation. Consolation होता है मतलब किसी चीज का सांत्वना देना. Regret मतलब भूल हो जाना, पछतावा. Shock मतलब कि अचंभित, झटका. और joy मतलब खुशी. तो उसको ना consolation सांत्वना थी, ना उसको shock था, ना उसको joy था. उसको था regret. उसका एकमात्र regret था कि वो अपनी rifle भूल गया. An unpardonable dash, an unpardonable lapse. Lapse मतलब गलती. Yearn, yearn मतलब कि इच्छा रखना. रिवॉर्ड मतलब कि कुछ प्रोत्साहन देना, पुरस्कार मिलना. और क्राइम मतलब कि अपराध. तो वहां पे उसका लैप्स हुआ था, उससे गलती हुई थी. डैश तो ही हैड. अब हैड है, सिंगल पर्सन है, तो क्या होगा? हैड ही हैड द राइफल. अगर उसके पास राइफल होती, हैड ही हैड द राइफल, हिज परस्यूअर्स वुड नॉट हैव डेयर्ड फॉलो हिम. बट नाउ ही कुड डू डैश अबाउट इट. एनीथिंग, ही कुड डू एनीथिंग अबाउट इट. अब वो कुछ भी कर सकता था उसके बारे में, नहीं कर सकता ना. ही कुड डू नथिंग अबाउट इट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बट कम वॉट मे, ही मस्ट डैश ऑफ देयर राइफल्स रेंज. लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसको क्या करना था? उनकी राइफल रेंज से कीप फ्रॉम, कीप विद इन, कीप आउट, कीप ऑफ. तो कीप आउट, उनकी रेंज से बाहर रहना पड़ेगा. कीप फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, कीप विद इन मतलब किसी सीमा के अंदर रहना, और कीप ऑफ तो वर्ड यहां पर गलत है. ठीक है? तो कीप आउट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. That's all. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. PDF आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. प्ले स्टोर से ऐप भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा. बहुत सारे बच्चे इस ऐप का फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं. आप भी उठा सकते हैं. ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.